हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज आकाश एंड यू आर वाचिंग आई एम बाय कोहली। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि टाइटल और थंबनेल से कि हम जा रहे हैं अभी सोना हिल्स व्यू पॉइंट। सो वो एक थोड़ी सी और डिफरेंट लोकेशन है दिल्ली NCR के पास में, जहाँ पे आप जा सकते हैं। वैसे मैं उस जगह पे लगभग 2016 या लगभग 17 में मैं गया था लास्ट टाइम, और उसके बाद अभी जा रहा हूँ। अब देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि मेरे को रास्ता भी वहाँ का थोड़ा सा ध्यान नहीं है, तो पता नहीं कि वहाँ पे हम लोग पहुँच पाएंगे कि भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ विशाल के घर, और हमें मिलने वाला है वहाँ पे राहुल, उसके बाद रोहन हमको मिलेगा इफ्को चौक पे। तो रूट हमारा वही है, हम लोग उधर से ही NH 8 पे आ जाएंगे। फ़िलहाल मैं महिपालपुर की तरफ से नहीं जा रहा हूँ, हम लोग सुल्तानपुर और MG रोड की तरफ से होते हुए हम लोग निकल जाएंगे वहीं पर। बाइक में भी फ्यूल डलवाना है, लो फ्यूल लेवल का इंडिकेटर शो हो रहा है यहाँ पे। तो अभी फटाफट पहले मैं पहुँच जाता हूँ विशाल के घर पे, मतलब विशाल को भी ले लेते हैं और राहुल से भी मिल लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे रोहन के पास। फिर जब रोहन हमको मिल जाएगा, फिर हम लोग वहाँ से अपने राइड को कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो मौसम है थोड़ा सा ठंडा है फ़िलहाल के लिए, अभी गर्मी नहीं है आजकल। फ़िलहाल कुछ दिन से जो है दिल्ली में मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया, हल्के से ठंडक है वेदर में। तो भाई हमें को रोहन भी मिल गया, और एडी, राहुल, विशाल, और आज हमारी मतलब पांच बाइक हमारे पास, दो डोमिनर, एक एवेंजर R15 और इसकी अपाचे 160। तो यहीं से अब हम अपनी राइड को स्टार्ट कर रहे हैं, और अभी हम हैं इफ्को चौक पे। तो चलते हैं, 60 तक तो चलियो, 60 तक ठीक है, चलो। और टाइम हो गया है अभी लगभग 5:53 AM, 5:30 बजे तक का निकलने का प्लान था, थोड़ा लेट हैं हम लोग, बट कोई नहीं, लेट हुए तो सिर्फ एडी की वजह से, वो हमेशा लेट करता आने में। अभी क्या है ना, थोड़ा सा अंधेरा है, तो हम जहाँ पे पहले हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, मैं फिर सीधा आपसे वहीं पे मिलता हूँ। सभी तरीके की बाइक आज हमारे ग्रुप में, और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट, अभी चाय बनकर आने वाली है। तो टाइम हो गया 8 बज गए हैं, और अब जो है बाइक स्वैप कर ली हमने, एडी चला रहा रोहन की बाइक, रोहन चला रहा मेरी बाइक, और मैं चला रहा हूँ एडी की बाइक। ओ भाई कितनी ज़्यादा डाउन लग रही है तो बाइक मेरे को, उसके साइड मेरा सही कर लेता हूँ। अब हम लोग निकल रहे हैं हिल्स की तरफ को। तो हम लोग जो है ना बाइक ज़्यादा फास्ट नहीं चला रहे, 60 तक मेंटेन करके रखनी पड़ रही है स्पीड, क्योंकि विशाल अपनी बाइक को अभी 55 या 60 से अबव नहीं चला सकता इस वजह से। तो अभी हम आ गए हैं KMP एक्सप्रेसवे पे, ये टोल क्रॉस कर रहे हैं अभी बस। तो मैं और विशाल चल रहे हैं थोड़ा साथ साथ आराम से, स्पीड हम मेंटेन कर रहे हैं 55 57, मतलब 55 टू 60 के बीच में,
और ये इसकी बाइक की फर्स्ट संडे राइड है, मतलब पिछले संडे को ही हमने ये बाइक लेकर आए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो इस बाइक की डिलीवरी का तो आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, तो आप जाके देख सकते हैं या इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद उसको देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो काफ़ी अच्छा वीडियो है वो भी। तो इस बाइक की फर्स्ट संडे राइड है। वैसे प्लानिंग यही थी स्टार्टिंग से कि जब भी ये बाइक आएगी उसके बाद जो भी पहला संडे होगा तो उस संडे को हम राइड पे निकल जाएंगे। अब वो देखो भाई कितने आगे निकल गए, वो तो मेरी बाइक तो देख भी नहीं रही। मतलब रोहन और एडी तो बहुत आगे निकल गया, और सामने की तरफ चल रहा राहुल दिख भी रहा है। मुझे पक्का पता है भाई वो 150 क्रॉस कर दी उसने मेरी बाइक रोहन ने। बाकी नज़ारा देख रहे हो, दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत हैं, और इधर की तरफ भी। सीधा हाईवे है बस, और काफ़ी अच्छा रोड बना हुआ है। मैं इस वाले हाईवे पे बाइक लेकर फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जब मैं लगभग 2016 या 17 में जब मैं आया था उस टाइम पे हम कार में थे, तो उसके बाद बाइक पे फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ यहाँ पर। बस बात यह है कि इस पर भी हम बाइक भगा नहीं सकते, 60 तक की स्पीड मेंटेन करके चल रहे हम लोग। तो जी पहाड़ी जो है मतलब स्टार्ट हो चुकी है, और ये रास्ते भी कुछ इसी तरीके से हैं जैसे हिमाचल या उत्तराखंड के होते हैं। अब जैसे धीरे धीरे और ऊपर चढ़ रहे हम, बाकी देखते हैं। मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ उधर, तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया नहीं कि ऊपर से जो व्यू है किस तरह का होने वाला है। थोड़ा थोड़ा सा ध्यान है, अभी ट्रक बीच में चल रहा है उसको ओवरटेक करना होगा। तो वह सही बताऊँ तो हमारा कल दोपहर तक का भी नहीं पता था कि हमें दोपहर तक भी नहीं पता था कि हम आज कहाँ की राइड करने वाले हैं। और सडनली मेरे दिमाग में ये आया कि यहाँ पे भी मैं आया था लगभग बहुत पहले, तो क्यों ना एक बार फिर से यहीं की राइड करी जाए, तो इसलिए हमारे यहाँ का प्लान बन गया। देख रहे हो मतलब रास्ते बिल्कुल ऐसे हैं जैसे पहाड़ों के होते हैं ना। ओ भाई साहब ये कैसे आ रहा भाई, बट धूल मिट्टी भी थोड़ी कुछ ज़्यादा ही इधर। पूरे ज़िगज़ैग रास्ते हैं जैसे हिमाचल में होते हैं या उत्तराखंड में होते हैं। देखो कितना दूर दूर तक के नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ से, शायद कैमरे में ना पता चले, बट अभी हम कहीं ऐसी जगह पर रुकने वाले जहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे नज़ारे दिखेंगे। तो भाई हम लोग तो निकले थे अपने पहाड़ी की तरफ, और जहाँ पे हम जा रहे थे वो थोड़ी सी गलत जगह पर हम चले गए थे, तो वहाँ से उतरने के बाद भी सीधा प्लेन रोड आ गया और हम कई गाँवों में आ गए। अभी ये नहीं पता भी हम लोग है कहाँ पे, बट ये कि हो गई अब यहाँ पे बारिश, तो इस वजह से हम कहीं रास्ते में यहाँ पे ढाबे पर रुक गए। तो भाई पोपट हो गया हमेशा की तरह, पोपट हो गया इसका तो, अगेन पोपट इसका तो भाई पोपट हो जाता हर बार, और आज भी पोपट हो गया। तो भाई बता कैसी रही तेरी आज की राइड? बहुत अच्छी, इसके तो भाई पहली राइड है जिंदगी की, और पहली खड़ा हो गई फर्स्ट राइड है अब इसकी, तो एवेंजर पे बीच में बंदे की पहली राइड है एवेंजर पर नई बाइक पे, और बारिश हो गई और रोड ही खराब मिला। अब देखते भाई जब बारिश रुकेगी तब चलते हैं वापस, अब अपने घर की तरफ निकलेंगे, क्योंकि टाइम हो गया लगभग 9:15 करीब, 9:20 हो गए लगभग, तो चावा वगैरह पी लेते हैं तो फिर चलते हैं। सो भाई अभी हम लोग यहीं से निकल के गए थे, और हमें आना था यहीं पर ही। एक्चुअली क्या है ना, ये वाला व्यू हमें देखना था, फिलहाल हमें वाला रास्ता इस वजह से पता नहीं चला क्योंकि यहाँ पे झाड़ियाँ काफ़ी हो गई, क्योंकि जब हम काफ़ी टाइम पहले आए थे तो उस टाइम पे ये झाड़ियाँ नहीं थी, तो यहाँ से जो व्यू है ना काफ़ी अच्छा दिख रहा था, तो इसी की वजह से अभी हम लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे। फिलहाल क्या है ना, हमने अपनी बाइक लगा दिया यहाँ पर, और हम कुछ टाइम पहले यहीं से गए थे और अब यहीं से आ रहे हैं वापस, तो अब चलते हैं उधर की तरफ को वहाँ से, और व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई ये वाला रास्ता बड़ा डेंजरस है, पहले मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ फिर मैं आपको वहाँ से व्यू दिखाता हूँ। बाकी यहाँ से व्यू देख रहे हो कितना मस्त है। ओए हम लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं ना, अभी हम लोग जाएंगे यहीं से, और काफ़ी थोड़ा सा डेंजरस रास्ता है ये, देखो कितना खतरनाक है। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर बंद कर देता हूँ, क्योंकि पहले मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ,
काफ़ी ध्यान से जाना पड़ेगा। वैसे ये वाला जो पैच है तो मैं कर लूँगा कवर, बट यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इसमें कांटे भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से जाना पड़ेगा। तो भाई वहाँ से आते आते मैं यहाँ तक तो पहुँच गया, अब यहाँ से आगे तरफ चलते हैं, वहाँ पे ऊपर को चलते हैं और फिर मैं वहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ पूरा। चलो भाई चलो, यहीं पे ठीक है, ऊपर नहीं आना। हिल व्यू पीछे का काफ़ी दूर दूर तक दिख रहा है यहाँ पे, और मौसम अभी थोड़ा सा ठंडा है, मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ठीक है, मतलब व्यू तो काफ़ी सही है यहाँ पे। और बताओ भाई कैसा लगा यहाँ पे आकर के? मुझे देखो वो आरोप कर रहा है, ये कॉपीराइट करवाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं वापस घर की तरफ। तो भाई ये यहाँ से व्यू काफ़ी मस्त व्यू है, और इधर की तरफ ये पहाड़ियाँ हैं पूरा, और यहाँ पे हेलमेट वगैरह हमने यहाँ पर रख दिए। और ये मतलब दिल्ली के पास काफ़ी मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा सा हिल व्यू मिल सकता है आपको। पहले जब मैं आया था उधर की तरफ से आया था, और यहाँ पे से मैंने आपको चढ़ के यहाँ का व्यू दिखाया था, और इसका ये दूसरा रास्ता भी है इधर की तरफ से, तो जा रहे हैं अब अपने घर की तरफ को। ये रास्ता थोड़ा सा मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब था क्योंकि यहाँ पे जो है ना कांटे वगैरह बहुत हैं, पूरा जंगल का एरिया ये इधर की तरफ देखो तो, और अब गर्मी भी लगने लगी है काफ़ी ज़्यादा। तो अब यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है, और टाइम हो गया है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, 10:46, लगभग एक से डेढ़ घंटा में यहाँ से अभी घर पहुँचने में भी लगेगा क्योंकि यहाँ ये चलाएगा आराम से, तो इसकी वजह से हमें भी आराम आराम से चलना होगा 55-60 की स्पीड में, और धूल मिट्टी की वजह से भी काफ़ी हालत ख़राब लग रही है। तो जहाँ पे अभी हम थे उस जगह का नाम था सोना हिल व्यू। तो अगर आपको भी इस जगह पे आना है तो गूगल पे आप सर्च करके आ सकते हो, काफ़ी सही जगह है। बट यहाँ पे आने का फ़ायदा तब है जब आप थोड़ा मतलब सर्दियों का टाइम हो, जब सर्दियों के टाइम में आते हैं ना तो थोड़ा अच्छा व्यू मिलता है यहाँ से, बट गर्मी में तो इतना मज़ा नहीं आता यहाँ पे। तो यहाँ से भी देख रहे हो कितना सही व्यू लग रहा काफ़ी, और यहीं से अभी हम गए थे जब पहले तो रास्ता हम भटक गए थे, मतलब जहाँ पे हमें जाना था हम उसके सामने से ही निकल के गए तो हमें पता भी नहीं चला। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ये वाला जो है ना ये सीधा सोना रोड है, जब आप दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं तो जो राजीव चौक है, राजीव चौक वाला ही है ना फ्लैवर, जो फ्लैवर के नीचे है, तो राजीव चौक से जब आप लेफ्ट की तरफ लेते हैं तो ये सीधा सोना रोड ही आता है। सोना रोड पर आने के बाद आपको ये वाला चौराहा मिलेगा, ये यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस सोना लिखा हुआ है, तो इस वाले चौराहे से ही आपको राइट लेना है, यहाँ से राइट लेके सीधा सीधा आप वहाँ पे पहुँच जाओगे जहाँ पे हमें, जहाँ से हम आ रहे हैं मतलब सोना हिल व्यू से। तो ये वाला मैंने आपको अगर मैप में भी ना मिले तो भी मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ से आना है, तो ये वाला याद रखना, ये पूरा ये सीधा सीधा सोना रोड है, गुड़गांव से जब आप सोना रोड की तरफ आओगे तो ये वाले चौराहे से जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस सोना लिखा है यहीं से राइट लेना, हमें यहाँ से राइट लेके बस सीधा सीधा आप वहीं पर पहुँच जाओगे जहाँ पर हम गए थे। तो अब चलते हैं वापस घर की तरफ। तो बाइकें कंप्लीट हो चुके हैं पूरे 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर हो गए पूरे। चलो तो इस वाली राइड पे 1000 किलोमीटर भी बाइकें कंप्लीट हो चुके हैं, तो बस यही दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा रुक गया था बीच में, और वो लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं, मैं और विशाल आ रहे हैं आराम आराम से पीछे। बट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस एरिया के आसपास में आपको कोई भी अच्छा खासा रेस्टोरेंट वगैरह नहीं मिलने वाला, अगर आप ये सोच के आते हैं कि आपको कुछ खाने को मिल जाए तो वो आपको नहीं मिलने वाला बिल्कुल भी। तो बेटर होगा कि आप NH8 पे ही कहीं किसी अच्छे
ढाबे पे या रेस्टोरेंट पे अपना ब्रेकफास्ट करें और उसी के बाद यहाँ पे आएँ। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बता दी, क्योंकि अगर कोई मेरा ये वाला व्लॉग देखेगा तो उसके बाद वो यही सोच कर चलेगा कि अगर राइड पे जाना है यहाँ पे तो ब्रेकफास्ट वगैरह भी यहीं पे कर ले। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कोई भी ढाबा या कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है इसके पास में। ये पूरा गांव का एरिया है और इस एरिया में आपको आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह का खाना मिलेगा। यही है राजीव चौक, जो गुड़गांव का राजीव चौक है, और ये वाला रोड जा रहा उधर की तरफ को सोना। मैं एक बार रुक के दिखा देता हूँ आपको, उन लोगों को जाने देते हैं। तो ये इधर की तरफ है दिल्ली और इधर की तरफ जाएंगे जयपुर, और ये वाला फ्लाईओवर पे ना चढ़ के ये राजीव चौक है। तो राजीव चौक से अगर आप लेफ्ट लेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ सुभाष चौक, तो इस वाले रोड पे आपको जाना, सुभाष चौक सोना वहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस वाले रोड पे आपको सीधा सीधा जाना है, और फिर जहाँ पे मैंने जो दिखाया जहाँ पे जो चौराहे पे वो जो चौकी थी वहाँ से आपको राइट लेना, सीधा सीधा रास्ता बिल्कुल। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपना घर की तरफ दिल्ली। इसका भी तो बात तो लगभग भाई टाइम हो गया, 12 बज चुके हैं और अरे भाई रुक गया। तो अब रोहन निकल जाए अलग दूसरे रास्ते को, और हम तीन और चारों जाएंगे दूसरे रास्ते की तरफ। तो आज के लिए फिर वीडियो इतना ही। तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि ना मतलब धूल मिट्टी बहुत जाती है जा रहा थी, और गर्मी भी अभी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो फिर इस वाले वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए माइंड नहीं करें।